तो गाइस यार आज की वीडियो में मैं खरीदने वाला हूँ बहुत सारी बाइक्स। यहाँ पे जो अंकल है वो बहुत बढ़िया बढ़िया बाइक्स बेच रहे हैं, बस दिक्कत ये है मेरे पास सिर्फ $5 है। देखते हैं क्या इनके पास कोई $5 वाली बाइक है। अंकल अंकल क्या आपके पास $5 की बाइक है? अंकल दे दो ना प्लीज। मेरे सोल्जर मेरे पास कोई $5 की बाइक नहीं है। सोल्जर कौन सोल्जर? तुम सोल्जर। मेरे पास जो सबसे पहली बाइक स्टार्टिंग प्राइस है वो है $100 की। अगर तुम्हारे पास $100 है तो तुम उसे खरीद सकते हो। क्या $100? मेरे पास $100 तो नहीं है। वैसे आपके पास सबसे महंगी बाइक कौन सी है? सोल्जर हमारे पास सबसे महंगी बाइक है $1,000,000 की। वो गाड़ी उड़ती है, पानी में चलती है, मिसाइल्स लॉन्च करती है, वो गाड़ी सब कुछ करती है। क्या $1,000,000 की बाइक? वो तो बहुत ही खतरनाक होगी। हाँ सोल्जर बहुत खतरनाक होगी। यार मैं उसे खरीद भी तो नहीं सकता क्योंकि मेरे पास सिर्फ $5 है। अंकल देखो ना यार $5 में दे दो ना मुझे ये वाली बाइक। नहीं सोल्जर मैं तुम्हें $5 में ये बाइक नहीं दे सकता। अरे वाह यहाँ पर तो बहुत सारी बाइक का कलेक्शन है। अंकल अंकल ये बाइक कितने की है? सबसे पहली बाइक है $100 की। वाह ये 100 वाली तो बहुत ही अच्छी है, मुझे ये बाइक खरीदनी है। तो दीजिए $100 और उस बाइक को खरीद लीजिए। मेरे पास अभी तो नहीं है, घर पर पैसे पड़े, मैं अभी क्या भी लेके आता हूँ। आज तो मैं ये $100 वाली बाइक खरीदूंगा। चलो सोल्जर तुमने देख लिया है, अगर तुम इस बाइक को नहीं खरीदोगे तो हल्क उस बाइक को खरीद लेगा। अरे नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, मुझे ये बाइक को खरीदना है पर मेरे पास $100 नहीं है। अरे अंकल मुझे प्लीज दे दो $5 में। नहीं बच्चे $5 में तुम्हें ये बाइक नहीं मिल सकती, पर हाँ तुम्हें ये टॉयलेट जरूर मिल सकता है $5 में। क्या टॉयलेट? हाँ बच्चे $5 में तुम खरीद सकते हो ये टॉयलेट। अरे पर मैं इस टॉयलेट का क्या करूँगा? जो करना है करो, पर $5 में तो यही मिलेगा। अच्छा ठीक है मुझे ये दे दो $5 में, मुझे ये दे दो। फटाफट से $5 दे दो और ये टॉयलेट तुम्हारा। ये लो अंकल। तो कैसर अभी मैंने ये टॉयलेट खरीद लिया $5 में। चलो फटाफट से इसके अंदर अपन बैठ जाते हैं। और कैसर अभी आप देख सकते हो मैं इस टॉयलेट के अंदर बैठ चुका हूँ। सबके सब लोग इसमें टॉयलेट करते हैं पर मैं इसको चलाने वाला हूँ। आप देख सकते हो कितना मस्त चल रहा है। पर सर मुझे वो $100 वाली बाइक खरीदनी है, बल्कि मुझे वो 1,000,000 वाली भी खरीदनी है पर मेरे पास पैसे नहीं है। तो गाइस सर आज की वीडियो में हम लोग कमाने वाले इतने सारे पैसे कि हम वो $1,000,000 वाली बाइक खरीद सके। पर हम शुरुआत करने वाले $100 से, तो फटाफट से चलते हैं बहुत सारे पैसे कमाते हैं ताकि हम सारी की सारी बाइक खरीद पाए। तो गाइस सर अभी हम खोज में निकल चुके हैं बहुत सारे पैसों के ताकि मैं सारी की सारी बाइक यहाँ पे खरीद पाऊँ। और एक सेकंड यहाँ पर क्या चल रहा है? रुक जाओ गाइस सर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो चल रहा है, मुझे पैसे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अरे अंकल क्या पैसे बांट रहे हो? मैं ले लूं? बच्चे मैं पैसे नहीं बांट रहा, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ पैसे जीतने का। क्या तुम पैसे जीतना चाहते हो? हाँ मैं पैसे जीतना चाहता हूँ, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। बच्चे मैं तुम्हें $100 दूंगा पर तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा। हाँ बताओ। तुम्हें इस ब्रिज से नीचे कूदना पड़ेगा पानी के अंदर। अगर तुम ब्रिज से नीचे कूदते हो और बच के मेरे पास आते हो तो मैं तुम्हें $100 दूंगा। क्या ये तो बहुत इजी है, अभी कूद जाता हूँ। रुक जाओ बच्चे, इस बीच पर बहुत सारे लाइफ गार्ड खड़े, अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया कि तुम पानी में कूदे हो तो वो तुम्हें जेल में डाल देंगे। क्या जेल में डाल देंगे? अरे ऐसा क्यों? बच्चे इस ब्रिज से पानी में कूदना अलाउड नहीं है, अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम नहीं बचने वाले। तो इसलिए यही तुम्हारा चैलेंज है, अगर पानी में कूदने के बाद तुम मेरे पास वापस आते हो तो मैं तुम्हें $100 दूंगा। पानी में कूदने के बाद वापस आना पड़ेगा? अरे कैसर आप देख सकते हो बीच पर बहुत सारे लाइफ गार्ड पड़े, और जैसे मैं यहाँ पे कूदूंगा ये मुझे पकड़ने आ जाएंगे। मुझे इनसे बच के यहाँ पर आना पड़ेगा तभी मुझे $100 मिलेंगे। रुक जाओ मेरे पास एक आइडिया है, मैं अपने इस टॉयलेट में जाके कूदने वाला हूँ। अंकल $100 तैयार रखना क्योंकि मैं लेने आने वाला हूँ। चलो कैसे फटाफट से अपने टॉयलेट को फुल स्पीड में भगाते हैं क्योंकि कैसे हम इसको कूदाने वाले हैं पानी में। और कैसर अभी आप देख सकते हो मैं पानी के अंदर आ चुका हूँ, जल्दी से टॉयलेट से निकलते हैं उससे पहले कि लाइफ गार्ड यहाँ पर आए, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो कैसर आप देख सकते हो ये लाइफ गार्ड का बच्चा आ चुका है, मुझे जल्दी स्विमिंग करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो मेरी तो खैर नहीं क्योंकि कैसर इस पानी में कूदना अलाउड नहीं होता है। रुक जाओ मैं यहाँ से चढ़ सकता हूँ, वो लाइफ गार्ड मेरे पीछे आ रहे हैं। जल्दी जल्दी स्विमिंग करते काम करो, पानी के अंदर चला जाता ताकि उसको मैं दिखाई नहीं दूं। जल्दी चलो मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, जल्दी निकलना पड़ेगा। और यहाँ पे आ गया, भागो मैं तो यहाँ से ऊपर चढ़ने वाला, डायरेक्टली लाइफ गार्ड मुझे देख नहीं पाएंगे। तो कैसर अभी मैं यहाँ से ऊपर आ चुका हूँ, जल्दी भागते उससे पहले कि कोई भी लाइफ गार्ड मुझे यहाँ पे ऊपर चढ़ते हुए देखे। तो कैसर मैंने अपना चैलेंज कंप्लीट कर दिया और किसी लाइफ गार्ड ने मुझे पकड़ा भी नहीं। चलो फटाफट से $100 ले लेते हैं। अंकल मैंने अपना चैलेंज कंप्लीट कर दिया, मुझे फटाफट से $100 दे दो। हाँ
बच्चे, तुमने अपना चैलेंज कंप्लीट कर दिया। ये लो तुम्हारे 100 डॉलर। थैंक यू अंकल। अंकल अंकल, मैं आ गया 100 डॉलर लेके। सोल्जर तुम आ गए। तुम इतना लेट हो गए कि मुझे टकला होना पड़ा। मुझे यहाँ पे खड़े खड़े बहुत गर्मी लग रही थी। क्या तुम तैयार हो बाइक खरीदने के लिए? हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। वो हल्क अभी तक नहीं आया क्या? नहीं, तुम उस हल्क से पहले आ चुके हो। जल्दी मुझे 100 डॉलर दे दो और ये बाइक तुम्हारी। हाँ ये लो, ये लो 100 डॉलर। तो कैसर, मैंने भी इनको 100 डॉलर यहाँ पर दे दिए। और कैसर ये बाइक हमारी हो चुकी है। ये कितनी ज्यादा खतरनाक है, आप देख सकते हो। हमने आखिरकार इस बाइक को खरीद लिया। सोल्जर अगली बाइक खरीदने के लिए तुम्हें चाहिए होंगे 1000 डॉलर। तो अगर अगली बाइक खरीदनी है तो 1000 डॉलर लेके आना। तो कैसर अभी आप देख सकते हो अगली वाली बाइक कितनी ज्यादा खतरनाक है। इसका टायर देखो कितना ज्यादा दूर और ये बहुत ही ज्यादा लंबी गाड़ी है। कैसर ये गाड़ी बहुत खतरनाक है, मुझे ऐसी गाड़ी जरूर चाहिए। उसके लिए मुझे चाहिए होंगे 1000 डॉलर। तो फटाफट से चलते 1000 डॉलर लेके आते हैं ताकि हम इस खतरनाक सी बाइक को खरीद पाए। पर कैसर अभी फिलहाल तो हमें ये मस्ती बाइक मिल गई, मुझे तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही है। इसमें मैं करने वाला हूँ खतरनाक खतरनाक स्टंट। वो अरे कहाँ जा रहा हूँ मैं, बचाओ मेरे को, पानी के अंदर नहीं जाना। तो कैसर अगली बाइक के लिए चाहिए मुझे 1000 डॉलर, इसलिए मैं आ चुका हूँ इस वाले घर पे। और कैसर इस घर से मैं चुराने वाला हूँ 1000 डॉलर, क्योंकि ये घर बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और कैसर इस घर में रहती है सिर्फ एक बूढ़ी आंटी, इधर और कोई भी नहीं रहता। इसलिए कैसर इस घर में मैं चोरी करने आया हूँ और आराम से मुझे 1000 डॉलर तो मिल ही जाएंगे। ये घर सही में बहुत ही ज्यादा बड़ा है। आप देख सकते हो भाई कितना ज्यादा बड़ा, गार्डन स्विमिंग पूल पता नहीं क्या क्या है। और मैं इस घर में आराम से इधर उधर भाग भी सकता हूँ, क्योंकि कैसर जो आंटी ना उनके कान थोड़े से खराब है तो उनको सुनाई कम देता है। वो बहुत ही ज्यादा बूढ़ी है, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली इस घर में चोरी करने के लिए। तो फटाफट से चलते 1000 डॉलर चुराते हैं। आंटी गेट खोलो। अरे एक सेकंड, मैं इधर से क्यों बुला रहा हूँ, मुझे खिड़की के अंदर से जाना पड़ेगा। रुक जाओ कैसर, फटाफट से खिड़की ढूंढते उधर से अंदर जाएंगे ताकि किसी को पता भी ना चले। चलो फटाफट से अंदर घुस जाते हैं। तो कैसर अभी हम इस घर के अंदर घुस चुके हैं। फटाफट से 1000 डॉलर ढूंढते हैं ताकि हम यहाँ से निकल सके। मुझे जल्दी से ढूंढना पड़ेगा, वो आंटी नहीं आ जाए बस यार। वो मुझे पता चला है वो आंटी बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली है। क्या किचन में पैसे मिल सकते हैं? अरे बेटा ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है कोई घर में घुस गया है। कौन आया है मेरे घर में? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अरे कैसर ये आंटी लौट गई। अरे ये कहाँ से आ गई? अरे तो मैं जस्ट सामने खड़ी है। और ये क्या, इसके हाथ में तो शॉटगन है। अरे ये क्या मुझे मारेगी क्या? अरे कैसर मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? अरे कौन है इधर, बाहर आओ वरना गोली मार दूंगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कौन है? अरे भागो यहाँ से, ये आंटी तो बहुत खतरनाक है। मैं ऊपर जा रहा हूँ, जल्दी भागो जल्दी भागो। अरे कैसर ये आंटी तो बहुत खतरनाक है, मैं क्या करूँ? अगर इसने मुझे देख लिया तो ये मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। अरे ये आवाज तो ऊपर का गेट खुलने की थी। कौन है ऊपर? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बाहर निकलो, मेरे बेडरूम में कौन घुस गया? बाहर निकलो। ए चोर के बच्चे, कहाँ है तू? ए चोर चोर चोर, ये तो मैं हूँ। कहाँ है वो चोर? चोर के बच्चे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे कैसर ये आंटी तो जस्ट इधर खड़ी है, मैं यहाँ से छुप भी नहीं सकता। मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। एक सेकंड, यहाँ पे ये क्या, इतने सारे पैसे पड़े। अरे कैसर मुझे पैसे मिल गए, चलो इनको ले लेते हैं। तो कैसर अभी मैंने ये ब्रीफ केस तो ले लिया, पर ये आंटी अभी भी इधर ही खड़ी है। मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। चुपचाप से पीछे से निकलते, आंटी को नहीं पता चलना चाहिए। कौन है? रुक जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। भागो, आंटी को पता चल गया। भागो भागो। अरे कैसर मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, जल्दी भागो, उनको पता चल गया ये मैं इस घर के अंदर, उनको पता चल चुका है। रुक जा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, चोर साले ये ले। भागो यहाँ से, वो आंटी तो बहुत खतरनाक है, इतनी सारी गोलियां चला दी, एक भी गोली मुझे लगी नहीं। पर मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना चाहिए। तो कैसर मुझे 1000 डॉलर तो मिल गए और मेरी जान भी बच गई। मुझे लगा था मैं मर जाऊंगा, जिस हिसाब से वो गन चला रही थी लगता है प्रोफेशनल है कोई। चलो कैसर अभी हम यहाँ से बच चुके, फटाफट इस एरिया को छोड़ देते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ इस लॉस सेंटोस को छोड़ देते हैं, वो तो बहुत ही खतरनाक थी। पर कैसर कोई बात नहीं, हमें मिल चुके हमारे 1000 डॉलर और हम अपनी नई नई बाइक खरीद सकते हैं। चलो फटाफट चलते हैं अगली बाइक खरीदते हैं। तो कैसर अभी हम वापस आ चुके अंकल के पास, जो की बेच रहे हमें सारी की सारी बाइक्स। तो कैसर अभी हम लेके आ चुके 1000 डॉलर। अंकल मैं 1000 डॉलर ले आया। बहुत बढ़िया सोल्जर, 1000 में तुम्हें मिलने वाली है ये लंबी लंबी नाक वाली
अपनी गाड़ी। ओके अंकल फटाफट से मुझे दे दो। तो कैसर अंकल को मैंने $1,000 दे दिए और कैसर ये गाड़ी हमारी हो चुकी है और आप देख सकते हैं गाड़ी कितनी ज्यादा लंबी है। मतलब इसका जो पीछे वाला टायर है वो तो नॉर्मल जैसा ही है पर आगे वाला टायर बहुत ही ज्यादा लंबा है, तो मुझे तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही है। आपको कैसी लग रही है फटाफट से कमेंट करके बता दो। आप देख सकते हो इसकी स्पीड यार बहुत ही ज्यादा फास्ट है, इसकी कंट्रोलिंग भी बहुत ही ज्यादा मस्त है। तो गाइस आप यार मुझे कमेंट करके बताओ अगर आपके पास $1,000 होते तो क्या आप इस बाइक को खरीदते। फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ, मुझे तो बहुत ही ज्यादा मस्त लग रही है। पर गाइस अगली बाइक खरीदने के लिए हमें चाहिए $10,000 और वो बाइक मैंने देखी भी नहीं कैसी दिखती है, पर उसको खरीदना तो पड़ेगा क्योंकि हम सारी की सारी गाड़ी खरीदने वाले हैं। फिर उसके बाद यार हमें 1 मिलियन वाली भी तो खरीदनी है। चलो फटाफट से चलते $10,000 जमा करते हैं ताकि हम खरीद पाए वो 1 मिलियन वाली बाइक। तो कैसर अभी हम जा रहे हैं खतरनाक से कंपटीशन में और कैसर अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पे चल रहा है खतरनाक सा कंपटीशन जिसमें जीत सकते हम इतना सारा कैश प्राइज। अरे भैया अगर आपको जीतना है तो आप जीत सकते हो $10,000। क्या आप जीतना चाहते हो? हाँ मैं जीतना चाहता हूँ। अपना नाम बताइए। मेरा नाम है वरुण। ये नाम अच्छा नहीं लगा, आज से नाम तुम्हारा टॉमी। टॉमी? अरे क्या बोल रहे हो अंकल। चलो भैया हम तुम्हारी रेस शुरू करते हैं, अपना नाम बताओ। टॉमी। बहुत बढ़िया, रेस शुरू की जाए, जो भी जीतेगा उसको मिलेंगे $10,000। तो गाइज़र अभी हम बिल्कुल तैयार हो चुके हैं इस रेस को करने के लिए। तो गाइज़र ये होने वाली है एक स्विमिंग की रेस, बहुत ही मजा आने वाला है। अभी थोड़ी सी अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लेते हैं ताकि हम बहुत ही अच्छी तरह स्विमिंग कर पाए। चलो मैं बिल्कुल तैयार हूँ, 3, 2, 1 को भागो। अरे ये क्या, ये मेरे से पैसे कैसे मांग रहे, ये लोग मेरे से आगे कैसे कर सकते हैं। रुक जा मुझे तेज स्विमिंग करनी पड़ेगी। चलो 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 मैं बहुत ही तेज स्विमिंग करने वाला हूँ, हट जाओ सबके सब। तो कैसे मुझे कैसे भी करके इस रेस को जीतना है, मैं बहुत ही तेज स्विमिंग कर रहा हूँ। आप देख सकते इन दोनों को पीछे मैंने छोड़ दिया पर मेरे अभी भी आगे यार 5 जने और चल रहे हैं, मुझे उनको भी पीछे छोड़ना पड़ेगा। चलो चलो फटाफट से स्विमिंग करते हैं, तुम दोनों को पीछे छोड़ दूंगा। अब मैं इनसे भी आगे निकल चुका हूँ कैसे, अब मेरे आगे सिर्फ 3 लोग हैं जिनसे मुझे आगे निकलना है। फुल स्पीड में स्विमिंग करते हैं ताकि हम उनसे आगे निकल पाए। भागो, मुझे कैसे भी करके $10,000 जीतने, इसलिए मुझे बहुत ही तेज स्विमिंग करनी पड़ेगी। भागो भागो जल्दी जल्दी भागो जल्दी जल्दी भागो गाइजर, मैं को कैसे भी करके जीतना पड़ेगा। तो गाइजर अभी मैं इनके बहुत ही ज्यादा पास आ चुका हूँ, देखो हम कितनी ज्यादा तेज स्विमिंग कर रहे हैं। मैं अभी 3rd पे चल रहा हूँ और अभी मैं 2nd पे आ गया, 1 सिर्फ बचा है, इससे आगे निकलना है मुझे। जल्दी जल्दी स्विमिंग करते हैं, तेज पूरा का पूरा दम लगाने वाले। तो गाइजर अगर आप चाहते हो मैं ये रेस जीत जाऊं फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में लिखो रेस जीत जा ताकि मैं इस रेस को जीत पाऊं। अरे ये क्या, ये मेरे पीछे कैसे रहे, जल्दी भागो ये मेरे से आगे कैसे निकल रहा है। तो गाइस अभी आप देख सकते हो ये मैं नंबर 1 पे बचाने वाला हूं, हम बहुत ही ज्यादा क्लोज आ चुके हैं फिनिशिंग लाइन के। रुक जा मुझे कैसे भी करके जीतना पड़ेगा। रुक जा ये मेरे से आगे कैसे जा रहा है, अरे ऐसा नहीं हो सकता। अबे ये कहां से आ गया, ये कैसे आ रहा है, अबे ये तो मेरे से आगे जा रहा है, मुझे तेज स्विमिंग करनी पड़ेगी। जल्दी भागो। तो गाइस अभी मैंने ये स्विमिंग वाली कंप्लीट कर दी है, अभी हमें जाना है बाईसाइकिल पे। तो फटाफट से भागते हैं, हमें साइकिल रेस करनी है, फटाफट से भागो, सबसे आगे वाली साइकिल लेने वाला हूं ताकि सबसे मैं आगे रह सकूं। जल्दी जल्दी बैठो, जल्दी से निकल जाते हैं फुल स्पीड में। चलो 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 गाइस मैं बहुत ही ज्यादा तेज जाने वाला हूं, अभी मैं 2nd पे चल रहा हूं। ये 1 जना जो मेरे से आगे चल रहा है पर मैं इससे भी आराम से आगे निकलने वाला हूं, टेंशन मत लो। मैं सोच रहा हूं गोली मार दूं ताकि गिर जाए पर गाइस अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो यार मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा और फिर मैं $10,000 भी नहीं जीत पाऊंगा, इसलिए मैं ये सब नहीं कर सकता, मुझे फुल स्पीड में जाना पड़ेगा। मैं बहुत ही ज्यादा पास हूं, मैं जीत सकता हूं। जल्दी भागो यहां से शॉर्टकट लेते हैं। और कैसर मैं 1st पे आ चुका हूं, ये लो ये मेरे पीछे रह चुका है। जल्दी भागो कैसर मैं बहुत ही ज्यादा आगे चल रहा हूं, इससे मैं आराम से इसको जीत सकता हूं, बस मुझे लीड को बनाए रखना है, पीछे नहीं जीतना। चलो 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 फटाफट से चलते हैं, वो बहुत ही ज्यादा पीछे, सारे के सारे लोग मेरे से बहुत ही ज्यादा पीछे, मैं कैसे भी करके इसे इसको जीत के रहूंगा। तो कैसे फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि अगर आप लाइक करोगे तो मेरा स्टैमिना बढ़ेगा और अगर मेरा स्टैमिना बढ़ेगा तो मैं जल्दी जल्दी इस रेस में जीत पाऊंगा। फटाफट से वीडियो को लाइक करते जाओ क्योंकि जितना ज्यादा लाइक करोगे उतना ज्यादा मेरा स्टैमिना बढ़ने वाला है। जल्दी जल्दी भागो। तो आप देख सकते हैं मेरे से ये बिल्कुल थोड़ा सा मेरे से पीछे और सामने फिनिशिंग लाइन आ चुकी है और कैसर मैं जीत गया। अरे ये रेस तो अभी भी खत्म नहीं हुई। अरे कैसर मैंने सोचा था ये रेस खत्म हो चुकी है पर अब भागने की बारी आ चुकी है। चलो फटाफट से भागते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पीछे भाग रहा है, मैं इसको बिल्कुल भी जीतने दूंगा, ये रेस तो बहुत ही ज्यादा बड़ी, उसमें बहुत ही ज्यादा स्टैमिना यूज़ हो रहा है।
तभी कैसे बोल रहा, फटाफट से लाइक करते रहो और कमेंट में लिखते रहो स्टैमिना स्टैमिना। जितना ज्यादा कमेंट करोगे स्टैमिना, उतना ज्यादा मेरा स्टैमिना पड़ने वाला है। जल्दी भागो, ये देख सकते पीछे कमजोर सा आदमी मेरे पीछे भाग रहा है, पर कैसे सबसे आगे मैं ही हूँ और मुझे इसको कैसे भी करके जीतना पड़ेगा। लगता है सामने फिनिशिंग लाइन आ चुकी है और मुझे लगता है यही एंड है इस रेस का। भागो, 3, 2, 1 और मैं जीत गया। तो कैसर मैंने ये रेस जीत ली है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी पर कैसर हमने रेस जीत ली है। तो कैसर पानी वाली हमने पी लिया है और कैसर हमें हमारे $10,000 मिल चुके हैं, हमारे बैंक अकाउंट में ऐड हो चुके हैं। मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ पर कोई बात नहीं, अभी हम जाने वाले अपनी अगली बाइक खरीदने क्योंकि हमने ये रेस जीत ली है। चलो फटाफट से चलते अपनी अगली बाइक खरीदते हैं। मैं सही में यार बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ पर कोई बात नहीं, हमारा ये सब काम कर गया, हमें $10,000 मिल गए। तो कैसर हम आ चुके वापस से इन अंकल के पास। सोल्जर तुम फिर से आ गए। अंकल मैं फिर से आ चुका हूँ, वो भी अपनी अगली $10,000 वाली बाइक खरीदने। और कैसर ये तो बहुत ही खतरनाक है, मैंने पहले देखा नहीं था कि $10,000 वाली कौन सी बाइक है, पर ये तो मुझे बहुत ही खतरनाक लग रही है। चलो फटाफट से इसके अंदर बैठ जाते हैं। और कैसर ये गाड़ी सही में बहुत ही ज्यादा मस्त लग रही है। सोल्जर पैसे कौन देगा? हाँ इनको पैसे दो, तो भूल गया अंकल, फटाफट से आपका पेटीएम नंबर बताओ, मैं वो कर देता हूँ। 6377110622। ओके अंकल मैंने आपको आपके पैसे भेज दिए। और कैसर मुझे अपनी मिल चुकी है अगली बाइक जो की है $10,000 की। ये बाइक बहुत ही ज्यादा कूल है, पर कैसर अभी मैं देखने वालों की अगली बाइक कौन सी। और कैसर आप देख सकते हो ये वाली बाइक कितनी खतरनाक सी लग रही है, इस बाइक में 3-3 टायर है तो ये बाइक तो नहीं लग रही पर बाइक ही है, कोई बात नहीं। पर कैसर आप देख सकते हो इस 10,000 वाली बाइक में क्या खासियत है, अब मेरे तो बढ़िया बढ़िया जंप कर सकते हैं, मैं कितना स्लो मोशन में आराम से जंप कर सकता हूँ। इसमें नीचे नाइट्रो लगे हुए जो कि मैं थोड़ी देर के लिए हवा में उड़ा देते हैं फिर वापस से हम लैंड हो जाते हैं। तो ये बाइक तो मुझे बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगी, आपको कैसे लगी फटाफट से कमेंट करके बताओ, एकदम फ्यूचरिस्टिक जैसी बाइक है। तो कैसर 10,000 वाली बाइक तो हमने खरीद ली, पर इसके बाद हमें खरीदनी है $1,00,000 वाली, मतलब $100,000 वाली, उसके बाद 1,000,000 वाली। तो अभी हमें चाहिए होंगे 100K और मुझे पता है कि हम वो $100K कहां से लाने वाले हैं। तो फटाफट से चलते हैं $100K लेने। तो कैसर जहां से हम चुराने वाले 100K वो है बैंक। तो कैसर इस बैंक से हम चुराने वाले 1,00,000। तो फटाफट से अपनी बाइक को यहां पे खड़ी करते हैं और ये बाइक मेरा बहुत ही ज्यादा काम करने वाली है क्योंकि बहुत ही ज्यादा तेज चलती है और बढ़िया बढ़िया जंप भी करती है, पुलिस वालों से हम आराम से एस्केप भी कर पाएंगे। चलो कैसर फटाफट से अंदर घुसते हैं बैंक में और ये गार्ड पड़ा है इसको टपली मारेंगे। एक सेकंड पहले दूसरा गार्ड भी ढूंढ लेते हैं, वो दूसरा गार्ड ये पहला गार्ड। चलो कैसर हम बिल्कुल तैयार है, 3, 2, 1 को, ये ले टकले, ये ले। तो कैसे फटाफट से इनको मारते हैं। और ये क्या लगता है किसी ने सिक्योरिटी अलार्म बजा दिया, इनकी ऐसी की तैसी तुमको जरूरी था अलार्म बजाना, चुपचाप सबके सब नीचे बैठ जाओ वरना गोली मार दूंगा सबको, कोई भी नहीं हिलेगा। चलो कैसे फटाफट से चलते अंदर बैंक में, घुसते हैं रॉबरी करते हैं फटाफट से। सबसे पहले इस गेट पे हमें बॉम्ब लगाना पड़ेगा क्योंकि यार ये सिक्योरिटी फायर मार नहीं रहे, अंदर से गेट नहीं खोल रहे। एक बार अंदर घुस जाओ फिर इनको बताता हूँ, मैंने इनको इतना बोला कि गेट खोल दो गेट खोल दो पर ये मार नहीं रहे, अब मैं घुस के इन सब को मारने वाला, पहले बोला था गेट खोल दो मानते क्यों नहीं हो तुम। तो गाइस अभी हमने इन सबको मार दिया है, फटाफट से इस वाले गेट पे भी लगाते हैं बॉम्ब, इस गेट को फटाफट से खोलते हैं फिर हम करेंगे बहुत सारी तगड़ी वाली रॉबरी। चलो गाइस फटाफट से चलते हैं। ये क्या चल रहा है, अबे इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड अभी ये कर रहे हैं, हेलो किसी को नहीं छोड़ूंगा, इतने सारे सिक्योरिटी वाले मैं कर रहे हैं, अरे इनको मारने में बहुत ही ज्यादा देर लग जाएगी, रुक जाओ मेरे पास एक और आइडिया, ये लोग कैच करो। और कैसर ये आइडिया बहुत ही खतरनाक था, मैंने सबको यहाँ पर उड़ा दिया है और इन आग के ऊपर से मुझे जाना पड़ेगा। तो अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं, फटाफट से यहाँ पे डालते हैं अपना हैकिंग डिवाइस जो कि मैंने खरीदा था और फटाफट से इसको हैक करके इस गेट को खोलते, सारे सारे सिक्योरिटी गार्ड्स ऑलरेडी मर चुके हैं, फटाफट से हमें हैक करना पड़ेगा। 3, 4, 5, 6 वैसे ये बहुत ही इजी सा हैक है, इसको आराम से हमने खोल दिया। सोचो इतना बड़ा बैंक है और इसमें हैक करने का कितना ज्यादा इजी है, अगर आपको भी रॉबरी करनी है तो कर सकते हैं, मना नहीं करूंगा, बहुत ही ज्यादा इजी सा इसका हैक है। चलो अभी हमारा काम हो चुका, अभी अबे आखिरी अपना बॉम्ब लगाते हैं, इस गेट को खोलते हैं, उसके बाद हमें मिलने वाला है बहुत सारा पैसा। तो गाइस सर गेट हमारा फाइनली खुल चुका है और सामने घुसते ही मुझे बहुत सारा गोल्ड दिखाई दे रहा है। चलो गाइस फटाफट से सारा का सारा गोल्ड डालते हैं अपने बैग में और हमें चाहिए $100K। तो सारा का सारा बैंक लूटने वाले, एक गोल्ड भी नहीं छोड़ेंगे, सारा का सारा गोल्ड ले लेंगे। अरे
आने दो, एक भी हम छोड़ने नहीं वाले, क्योंकि मुझे सारा का सारा पैसा चाहिए, ताकि मुझे ज्यादा पैसा मिल जाए ना तो अगली बाइक में थोड़ा काम आ जाएगा, पर अभी तो मुझे सिर्फ 100 के चाहिए, तो फटाफट से सारा का सारा गोल्ड लूट लेते हैं। वैसे तो यहाँ पे और भी बहुत सारे लॉकर्स खोल के हम उनको लूट सकते हैं, पर गाइस मेरे पास ड्रिलिंग मशीन नहीं है, इसलिए मैं उनको अभी नहीं लूट पाऊंगा, अभी सिर्फ ये गोल्ड लूट पाएंगे जो कि मैंने सारा का सारा गोल्ड लूट लिया है। चलो हमारा काम यहाँ से हो चुका है, फटाफट से यहाँ से निकलते। और गाइस अब यार बहुत सारी पुलिस आने वाली, थोड़ा उनसे बच के जाना पड़ेगा। चलो मित्रों मैं तुमसे मिलूंगा बाद में, अभी मैं जा रहा हूँ अपने घर पे, बाय बाय। डराने में यार बहुत ही ज्यादा मजा आता है, अरे मैं अभी बोल रहा था डराने में मजा आता है, अभी पुलिस वाले मुझे डराने वाले बहुत ही खतरनाक तरीके से। पर गाइस यार मेरे पास है अपनी मिनी गन, ये लो, ये बहुत ही खतरनाक है, ये किसी को भी नहीं छोड़ेगी, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक गन है। फटाफट से अपनी बाइक पे बैठते हैं और निकलते हैं यहाँ से, बाय बाय। तो गाइस यार बाइक पर हम बैठ चुके और हम यहाँ से निकलने वाले, और गाइस यार आपको तो पता ही हमारी बाइक कितने बढ़िया बढ़िया जंप करती है, तो हम कहीं से भी कहां से भी निकल सकते हैं। तो गाइस यार हमारे पीछे बहुत ही ज्यादा पुलिस पड़ी हुई है, पर ये पुलिस कभी नहीं पकड़ पाएगी क्योंकि मेरी बाइक इतनी ज्यादा फास्ट है, और सामने कोई गाड़ी आती है मैं सीधा उसके ऊपर से जंप कर लेता हूँ, तो ये पुलिस वाले मुझे कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे। आप देखो सामने कितने सारे पुलिस वाले खड़े, बस मुझे यहाँ पे जंप करना है और मैं आराम से निकल चुका हूँ। तो गाइस अभी आप देख सकते हो मैं बीच पर यहाँ पर लैंड होने वाला हूँ, जहाँ से हमने अपने सबसे पहले $100 कमाए थे, अभी मैं वहां पर ही आ चुका, पर यहाँ से लगता है निकलना पड़ेगा कि पुलिस वालों के हेलीकॉप्टर मेरे पीछे पीछे घूम रहे। तो गाइस मैं जाने वाला हूँ पहाड़ों पर, ताकि मैं पुलिस वालों से एस्केप करा पाऊँ, और फिर हम जाएंगे अपनी अगली बाइक खरीदने। तो गाइस फाइनली हम आ चुके वापिस अपनी अगली बाइक खरीदने, वो भी $1,00,000 की। अंकल कैसे हो? मेरे सोल्जर फिर से आ गए तुम। हाँ अंकल मैं खरीदने वाला हूँ वो 100K वाली बाइक। बस पेमेंट थोड़ी सीक्रेट होने वाली है अंकल, उधर उन घासों के पीछे आपकी पेमेंट पड़ी है, फटाफट से जाके ले लो। क्या सोल्जर घासों के पीछे? ओके अभी कभी जाता हूँ। ओ चलो देखते हैं। ओ ये क्या, यहाँ पर तो सारे के सारे पैसे पड़े। ओके सोल्जर वो बाइक तुम्हारी हुई और ये सारा पैसा मेरा हुआ। चलो गाइस फटाफट से हमने पेमेंट कर दिए, और गाइस ये खतरनाक सी बाइक हमारी हो चुकी है। मैंने आपको दिखाया था ये बाइक कितनी ज्यादा लंबी, और अभी हमें ये बाइक मिल भी चुकी है, और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसके पीछे दो टायर आगे एक टायर, बीच में इतना बड़ा इंजन लगा हुआ जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। तो फटाफट से बाइक को फुल स्पीड में भगाते हैं। तो गाइस फटाफट से कमेंट करके बताओ अभी तक हमने जितनी भी बाइक ली उसमें सबसे अच्छी आपको कौन सी लगी। मुझे तो सबसे अच्छी यही वाली लगी, पर गाइस इसके बाद जो $1,000,000 वाली बाइक है वो लेने में असली मजा आने वाला है। वो बाइक सबसे ज्यादा खतरनाक है और उस बाइक को हम खरीद के रहेंगे। तो गाइस अभी मेरे एक दोस्त ने मुझे बुलाया, उसने बोला है कि वो मुझे $1,000,000 कमा के दे सकता है, इसलिए अभी हम जा रहे देखते कौन सा 1,000,000। अभी हम सीक्रेट जगह पर जाने वाले, और गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे कितना सारा पैसा पड़ा है, ये तो बहुत खतरनाक है। मेरे दोस्त कैसा है तू? ये सारा सारा पैसा तो मुझे देने वाला है। थैंक यू मेरे दोस्त, सारा पैसा दे दे। अरे अरे फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो, ये सारा पैसा तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर उसके लिए तुम्हें एक कॉम्पिटिशन जीतना पड़ेगा। क्या कंपटीशन? कौन सा कंपटीशन? मैं बताता हूँ, ये है पूरे के पूरे $1,000,000। इनको जीतने के लिए तुम्हें एक कार रेस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर उस रेस में तुम जीत गए तो ये सारा का सारा $1,000,000 कैश तुम्हारा हो जाएगा। क्या तुम तैयार हो? सिर्फ एक रेस में जीतने? रेस तो मैं बहुत ही अच्छी तरह करता हूँ, मैं तैयार हूँ। तो चलो फ्रैंकलिन मैं तुम्हें रेस में लेके चलता हूँ। हाँ वो लॉस सैंटोस से बाहर है, चलेगा ना? अरे हाँ चलेगा चलेगा, फटाफट चलते हैं। तो गाइस अभी हम करने वाले अपनी खतरनाक सी रेस वाली गाड़ी में। चलो गाइस फटाफट से पूरे के पूरे तैयार हो चुके हैं इस रेस को करने के लिए, और हमारी गाड़ी भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। चलो गाइस फटाफट से इस रेस को शुरू करते हैं, भगा। तो गाइस हमारी रेस हो रही है इन बोट्स वालों के, जो बोट अभी भी उड़ते हुए गई। हमें एक लोकेशन पर पहुंचना है इन बोट्स वालों से पहले। ये देख सकते हो भाई मेरे सामने से कैसे निकल रहे हैं, ये लोग हैं बोट्स पर और मैं हूँ गाड़ी पे। तो इस गाड़ी में मुझे इन बोट्स वालों से पहले पहुंचना पड़ेगा। ये मेरे से आगे चल रहे हैं पर मैंने नहीं छोड़ने वाला। अभी मेरी पोजीशन चल रही है 4 और 4, अभी देख सकते हो भाई चार जने हम रेस कर रहे हैं और अभी मैं 4th पे चल रहा हूं, और ये खतरनाक सा जंप मैंने मार लिया है सीधा पानी में। तो गाइस अभी आप देख सकते हो मैं सबसे ज्यादा पीछे चल रहा हूं, पर मुझे कैसे भी करके इस रेस में जीतना पड़ेगा। अगर ये रेस में मैं जीत गया तो वो $1,000,000 वाली बाइक मेरी होने वाली है। तो फटाफट से अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में बिना रोके भगाते हैं, ताकि हम जीत सके $1,000,000, फिर अपनी वो खतरनाक सी फ्लाइंग बाइक खरीद पाएंगे। अभी आप देख सकते हो मैं 2nd पे चल रहा हूं फुल स्पीड में, हम जाते जा रहे हैं, बस ये एक ही
पीछे ना आगे, जिससे भी हम आगे निकल चुके हैं। तो गाइस अभी मैं फर्स्ट पे आ चुका हूँ और ये क्या, मैं फोर्थ पे कैसे आ गया? अरे ये कैसे हो सकता है, मैं फोर्थ पे कैसे आ गया? मुझे जल्दी से अपनी गाड़ी को भगाना चाहिए क्योंकि मुझे कैसे भी करके फर्स्ट आना है, जल्दी भगाओ। तो गाइस अभी आप देख सकते हो पूरे स्लो मोशन में हम निकल चुके, आगे अभी आ चुके सेकंड पे, फटाफट से भगाते हैं अपनी कार को ताकि हम फर्स्ट पे आ सके। अरे ये क्या, मैं फिर से थर्ड पे आ गई। बोट वाले सही में बहुत ही ज्यादा तेज चला रहे हैं, अगर मेरे पास और भी अच्छी गाड़ी होती तो मैं और आगे होता, पर कोई बात नहीं गाइस हम पीछे नहीं रुकने वाले। ये अभी आप देख सकते हो साइड में जो पानी है उसमें वो बोट्स वाले घूम रहे और मैं यहाँ पर चला रहा हूँ अपनी गाड़ी को, फटाफट से भगाते हैं, बहुत ही तेज चलानी पड़ेगी हमको कैसे भी करके इस रेस को जीतना है। तो गाइस अगर आप चाहते हो मैं ये रेस जीतूं तो फटाफट से कमेंट में लिख दो गुड लक फ्रैंकलिन। अगर आप कमेंट करोगे गुड लक फ्रैंकलिन तभी मैं ये रेस जीत पाऊंगा, तो फटाफट से कमेंट कर दो ताकि मैं इस रेस को जीत जाऊं। फटाफट से भगाते हैं अपनी गाड़ी को, मुझे कैसे भी करके इस रेस को जीतना है। तो गाइस अभी आप देख सकते हो हम खुद आने वाले अपनी गाड़ी यहाँ, सॉरी बोट्स वाले मेरे से अभी भी आगे चल रहे हैं, मुझे कैसे भी करके आगे जाना पड़ेगा। भगा 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 भगा, और ये क्या, सामने फिनिशिंग लाइन आ चुकी है। और गाइस ये क्या, मैं तो फर्स्ट आने वाला हूँ, मैं फर्स्ट आने वाला हूँ, और ये मैं फर्स्ट आ गया। तो गाइस मैं जीत गया ये रेस, बहुत ही ज्यादा ये क्लोज था, मैं बस यार फोर्थ आने ही वाला था पर मैंने ब्लास्ट में भगा के फर्स्ट आ चुका हूँ। बहुत बढ़िया फ्रैंकलिन, तुम सारा का सारा पैसा जीत चुके हो। अरे थैंक यू भैया। तो गाइस अभी मैं ये सारा का सारा पैसा जीत चुका हूँ, मैंने ये पूरे के पूरे 1 मिलियन डॉलर्स कमा लिए उस रेस को जीत के। तो गाइस फटाफट इनको लेके चलते हैं और अपन खरीदते हैं अपनी नई नई बाइक। तो गाइस अभी अपनी पूरी पूरी ट्रक भर के लेके आ चुके, पूरे की पूरी ट्रक ये भरी हुई है मिलियन डॉलर से। फटाफट से उतरते हैं ट्रक से। अंकल अंकल मैं आ गया। अरे सोल्जर कैसे हो तुम? अंकल मैं 1 मिलियन डॉलर्स लेके आ चुका हूँ, उस ट्रक के अंदर है, मुझे फटाफट से बाइक दे दो। ओके सोल्जर, ये ट्रक के सारे पैसे हुए मेरे और वो बाइक हुई तुम्हारी। बाय बाय सोल्जर, मैंने अपनी सारी की सारी बाइक्स बेच दी, अब मैं जा रहा हूँ अपने गाँव, बाय बाय। तो गाइस फाइनली हमें अपनी 1 मिलियन डॉलर्स वाली बाइक मिल चुकी है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। फटाफट से इसमें बैठ जाते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें खतरनाक है। पहले तो आप देखो इसमें मस्सी लाइट चल रही है जो की बहुत ही खतरनाक लग रही है। और गाइस अंकल ने बोला था ये गाड़ी पानी के ऊपर चलती है, तो सबसे पहले तो मैं जाकर टेस्ट करने वाला हूँ कि ये गाड़ी सही में पानी के ऊपर चलती है। सामने ही अपना बीच है तो फटाफट से ले लेते हैं। और आप देख सकते हैं ये गाड़ी कितनी मस्त हवा में उड़ रही है, इसको हवा में उड़ाएंगे, सबसे पहले पानी के ऊपर चलाते हैं, और जी हाँ ये गाड़ी पानी के ऊपर भी चलती है। तो गाइस आप देख सकते हैं ये गाड़ी कितनी ज्यादा खतरनाक है, पानी के ऊपर चल सकती है और ये हवा में भी उड़ सकती है। भाई कितनी ज्यादा खतरनाक गाड़ी है। तो अभी हम उसको उड़ाने वाले हैं हवा में। और गाइस आप देख सकते हो ये गाड़ी तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, कैसे फुल स्पीड में हवा में उड़ रही है। तो गाइस फटाफट से कमेंट करके बता दी 1 मिलियन डॉलर वाली बाइक आपको कैसे लगी, मुझे तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगी। तो गाइस आज की वीडियो से भी इतना ही, अगर आपको आज वीडियो अच्छी लाइक कर देना, चाहे वो सब्सक्राइब कर देना, पता नहीं इसलिए वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वापस जाके जॉइन फॉलो कर लेना। और गाइस हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।